क्वेश्चन है कि पेंट के अंदर यदि मुझे किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से इमेज लेकर आना है और उसको लगाना कैसे है, मैं ये आपको कंप्यूटर पर दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे हम किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से पिक्चर लाकर पेंट ब्रश की फाइल के अंदर हमें कैसे इमेज को इंसर्ट करना है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसमें दिखा रहे हैं, इधर से पीछे हमें कंप्यूटर क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है और यहाँ पर क्लिप आर्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिप आर्ट पर क्लिक करके मुझे यहाँ से बोलना है कंप्यूटर, जैसे लिखा हुआ है कंप्यूटर, और यहाँ से बोलना है क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर जो भी हमें इमेज समझ में आती है कंप्यूटर से संबंधित, वो इमेज यहाँ पर हमें ले लेना है। कौन सा लेना है, ये वाला लेना, इसको सिलेक्ट किया, ये इमेज यहाँ पर ओपन होकर आपके सामने दिखाई देगी, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और होम पर जाकर इसके कर लिया आप कॉपी, कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद आपको जाना पड़ेगा वापस पेंट ब्रश में और यहाँ पर करिए आप इसको पेस्ट, क्या करेंगे पेस्ट। जैसे आपने पेस्ट किया ये इमेज आ गई यहाँ पर, ऊपर किया आपने, जैसे ये कोने इसके बाहर गई तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा रखना है ताकि इसके अंदर, और यहाँ सिलेक्ट पर जाना है और यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर क्लिक करना है, इसलिए इसके अंदर आ जाएगा और आपकी इमेज इसकी सेट हो जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी सॉफ्टवेयर से इमेज लाकर हमारे कैनवस के अंदर इसको कर सकते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है।